नमस्कार दोस्तों, चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चक्रवाती तूफान मोचा के संभावित खतरे को देखते हुए 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। अभी अभी चक्रवाती तूफान की स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। जी हां साथियों, बता दें चक्रवाती तूफान मोचा खतरनाक हो गया है और 3 दिन का रेड अलर्ट कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है। साथियों बता दें, भयंकर हुआ चक्रवाती तूफान मोचा, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। बंगाल में NDRF की 8 टीमें तैनात कर दी गई हैं। तत्काल मौसम विभाग के द्वारा दोस्तों ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय मौसम चैनल, जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है। इसलिए अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चक्रवाती तूफान मोचा तेज होते हुए रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दोस्तों बता दें कि आज सुबह 5:30 बजे भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। साथियों बताते चले, चक्रवाती तूफान मोचा के संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिमी बंगाल में NDRF की 8 टीमों को तैनात किया गया है। NDRF की 2nd बटालियन के कमांडेंट गुरमिंदर सिंह ने कहा है, भविष्यवाणियों के अनुसार चक्रवाती तूफान मोचा एक गंभीर तूफान और दोस्तों आज एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। हमने 8 टीमें तैनात कर दी हैं। NDRF के 200 कर्मी जमीन पर तैनात हैं और 100 कर्मी स्टैंड बाय पर हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब NDRF इतनी अलर्ट है, 8 टीमें तैनात कर दी गई हैं, वहीं 200 जो कर्मी हैं NDRF के वो भी तैनात कर दिए गए हैं। मौसम एजेंसी ने चक्रवाती तूफान मोचा के मद्देनजर कई पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात की गति के कारण इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल की भारतीय तटरेखा तूफान से सुरक्षित दूरी पर होगी और भूमि पर कोई हानिकारक मौसम गतिविधि की उम्मीद नहीं है। हालांकि इन राज्यों के तट पर समुद्र की स्थिति बहुत ही खराब होगी। वहीं साथियों आपको बता दें कि मौसम विभाग कार्यालयों ने मछुआरों, जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चक्रवाती तूफान के कारण कई राज्यों में भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इनमें दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दोस्तों पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, ये मुख्य रूप से हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इसी के साथ ही बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो आंतरिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान रहा। गुजरात, पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।